मठ पर मौनी बाबा भी आए। बाबा आप यहाँ पर आए हैं, कितना दुखी है और क्या कहना चाहते हैं? ये घटना निश्चित रूप से हम सबको तोड़ देने वाली है। विश्वास ही नहीं होता है कि नरेंद्र गिरी जी आत्महत्या कर सकते हैं। ये सुनकर के भी मैं किसी भी स्थिति में इस बात को मानने को तैयार नहीं। वो बड़े बहादुर संत थे और देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए वो संघर्ष करते थे। लड़ने वाला व्यक्ति कभी मरने की बात सोच नहीं सकता है। और यदि ऐसी घटना उनके साथ घटी है तो इसकी सच्चाई में जाने के लिए प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को CBI जांच करानी चाहिए। हमें प्रदेश सरकार पूरा विश्वास है, लेकिन बड़ी एजेंसी की ताकत बड़ी होती है, गहराई में जाकर के अपराधियों को पकड़ेगी। अन्यथा अगर इसकी स्थिति नहीं होती है, इसका खुलासा नहीं होता है, तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। और यदि इतने बड़े संत सुरक्षित रहे हैं, फिर सुरक्षित कौन होगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि पूज्य संत इतने बहादुर थे कि आत्महत्या जैसी बात तो सोच नहीं सकते थे। हमें तो लगता है कि बहुत बड़ी साजिश के साथ ये घटना घटी है। इसके पीछे कुछ न कुछ अपराधी जरूर छिपे हैं, उनका खुलासा हो, वो पकड़े जाए और सब पर दंडात्मक कार्रवाई। अच्छा, आपसे काफी बातचीत होती थी। जांच प्रधानमंत्री जी से, गृहमंत्री जी से और मुख्यमंत्री से भी मैं चाहता हूँ कि CBI जांच इसकी हो। तो हमें पूरे देश के लोगों की निगाह है, पूरे विश्व के लोगों की निगाह है कि बड़ी घटना है, इसमें सरकार तत्काल कार्रवाई करके अपराधियों को पकड़े। अच्छा, आपसे बातचीत होती थी, क्या कभी ऐसा कुछ लगा कि कुछ वो दुखी है? अभी जब अंतिम मुलाकात मेरी माघ मेले में उनसे हुई, तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन गया है, कृष्ण मंदिर और विश्वनाथ मंदिर बनने वाला है, आने वाला समय रामराज्य का होगा, हम संतों को और तपस्या करनी चाहिए और आने वाले समय में देश की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। जो इतना बड़ा संकल्प लिया हो, वो आत्महत्या जैसी बात न सोच सकता है, न कर सकता है। उनका संकल्प था शीघ्र राम मंदिर का उद्घाटन होगा और काशी विश्वनाथ और मथुरा में मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा। ऐसे बड़े संकल्प उनके साथ थे। अगर ये घटनाएं घटी हैं, कहीं न कहीं से हम लोगों को तोड़ देने वाली हैं, असह पीड़ा देने वाली हैं। और कुछ ना कहने की स्थिति में हम सब अस्तब्ध तो है ही, लेकिन दर्द भी है और सरकार से अपेक्षा भी है कि जांच कराइए, अपराधियों को पकड़िए। अगर इतना बड़ा संत हत्या के लिए विवश कर भी दिया गया है, तो इसके पीछे कौन है? क्यों हत्या करनी पड़ी? अगर हत्या भी बात आती है, हत्या क्यों करनी पड़ी? इतनी सहजता से इतना बहादुर संत हत्या क्यों कर लिया? ये सारी चीज़ें बहुत, आत्महत्या क्यों कर लिया, बहुत सारी बात है। क्योंकि आत्महत्या स्थिति जो है बहुत बड़ी समस्या का प्रश्न लेकर के आई है। क्योंकि हत्या उनकी हुई है या आत्महत्या हुई है, दोनों की जांच एक जांच के बाद खुली होगी, लेकिन CBI जांच हो जाएगी तो शायद हत्या या आत्महत्या की गुत्थियों में लोग जाएंगे तो सच्चाई पकड़ी जाएगी, अपराधी पकड़ में आएंगे। ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।